डिप्टी सीएम केशव प्रसाद की स्वास्थ्य लाभ के लिए कार्यकर्ताओं ने किया हवन पूजन। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कार्यकर्ताओं ने उनके स्वस्थ जीवन के लिए हवन किया। भाजपा कार्यकर्ता ने शिव मंदिर में हवन पूजन का कार्यक्रम रखा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने हवन के दौरान डिप्टी सीएम के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के मुताबिक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कोरोना संक्रमित आने के बाद जल्द स्वस्थ के लिए हवन पूजन किया गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कोरोना के लक्षण दिखने पर जांच करवाई थी। 2 अक्टूबर को जांच रिपोर्ट में वह कोरोना संक्रमित पाए गए। संक्रमित मिलने के बाद उन्होंने स्वयं ट्वीट कर लोगों को इसके बारे में जानकारी दी और अपने संपर्क में आए लोगों से जांच करवाने के लिए कहा था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी मिलने के बाद कार्यकर्ताओं में मायूसी छाई हुई थी। सोमवार को कार्यकर्ताओं ने 51 शक्तिपीठों में से एक माँ शीतला के स्थान कड़ा में बने शिव मंदिर पर हवन पूजन आदि किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हवन पूजन करते हुए भगवान शिव से डिप्टी सीएम के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। हालांकि हवन पूजन के दौरान कार्यकर्ता बगैर मास्क के दिखाई दिए। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार मिश्रा ने बताया कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हम सब के नेता हैं। जब से हम लोगों को यह जानकारी मिली है कि वह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। किस उद्देश्य माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी हम लोगों के नेता हैं। जब जानकारी हुई कि कोरोना पॉजिटिव हुए तो हम लोगों को जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो, इसलिए हम लोगों ने यज्ञ किया। महाराज जी से बात हुई, महाराज जी ने कहा यज्ञ माध्यम जो है अच्छा रहेगा, यज्ञ से जो है स्वस्थ लाभ जल्दी होगा, इसलिए हम लोगों ने यज्ञ किया। संदीपन घाट में यज्ञ किए हैं, किस लिए किस उद्देश्य से यहाँ पे यज्ञ किए? इस यज्ञ को करने का एक विशेष आयोजन रहा है, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि पूजा में यज्ञ मैं हूँ, तो इसलिए भगवान राम भी जब प्रकट होते हैं तो यज्ञ से होते हैं। कृष्ण भी स्वयं यज्ञ के लिए सविधा लेने जंगल जाया करते थे, जो प्रायः हम लोग कथाओं में सुनते हैं कि सांदीपन मुनि के आश्रम में भगवान पढ़ रहे थे, तो उन्होंने अपने मित्र सुदामा के साथ संविधा लेने के लिए गए, लकड़ी लेने के लिए गए। क्यों? यज्ञ के लिए। यज्ञ एक ऐसा उपाय है जो यज्ञ धातु से बनता है। यज्ञ एक ऐसा वो है जिससे ग्रह हमारे जब अरिष्ट होते हैं, ग्रहों का दोष जब होता है तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। नवग्रह ऐसे ग्रह हैं जो हमको कब धनवान बना दें, कब नीचे गिरा दें। ये जब ग्रह हमारे प्रतिकूल हो जाते हैं तब हमको तमाम तरह की समस्याओं से गुजरना पड़ता है, जैसे आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य से। तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी इस समय कोरोना पॉजिटिव हुए, कहीं ना कहीं से उनके ऊपर नवग्रह का प्रकोप है। नवग्रह शांति के लिए हम लोगों ने इस यज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ को बड़े उत्साह से और पूरे विश्वास के साथ कि जब भगवान ने स्वयं कहा है तो भगवान शीघ्र उनको स्वस्थ करेंगे, इसलिए ने हम लोगों ने युवा मोर्चा के अध्यक्ष पंडित सुनील त्रिपाठी जी, पंडित सुनील मिश्रा जी एवं उपाध्यक्ष जी एवं संजय भैया एवं शैलेश भैया, भैया हमारे राहुल भैया, क्या उनके साथ स्वास्थ्य अच्छा कर लिए कि यज्ञ ही एक जरूरी है? जी, यज्ञ से वो देवताओं को डायरेक्ट उनके मुख में आहुति पड़ती है। यज्ञ जो है वो देवताओं का भोजन है। अग्नि, ब्राह्मण, गौ, ये देवताओं के तीन मुख बताए गए हैं। जैसे ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो वो सीधे देवताओं के मुंह में जाता है। गाय को गोग्रास देते हैं तो वो सीधे देवताओं के मुंह में जाता है। ऐसे यज्ञ करने से जो आहुति हम देते हैं वो सीधे सूर्य नवग्रह के मुख में जाता है, इसलिए नवग्रह हवन करने से शीघ्र हमारे ऊपर असर पड़ता है और हमको तुरंत उसका लाभ मिलता है। अपना नाम बता दो। आचार्य देवव्रत जी महाराज, मैं इन पूरे कार्यकर्ताओं के साथ आज इस यज्ञ को आयोजित करके बड़ा ही प्रसन्न अपने आप को महसूस कर रहा हूँ, पूरे विश्वास के साथ कि शीघ्रता से हमारे उप मुख्यमंत्री जी श्री केशव प्रसाद मौर्य जी स्वस्थ हों और जल्दी से हम लोगों से उनसे मुलाकात हो और हम लोग उनको आशीर्वाद दे सकें।